आज हम इस वीडियो के माध्यम से सितंबर महीने में परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जो न्यू स्टेट है उसके क्वारंटाइन और कोरोना स्टाफ के पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। न्यू स्टेट्स डिसबर्समेंट ब्रांच में किसी भी ब्रांच की कलेक्शन यदि 50% से कम होती है तो वह ब्रांच क्वारंटाइन कैटेगरी में आएगी, और न्यू स्टेट्स नॉन डिसबर्समेंट ब्रांच में यदि किसी भी ब्रांच का कलेक्शन 40% से कम होता है तो वह ब्रांच क्वारंटाइन कैटेगरी में आएगी। अब बात करते हैं कोरोना स्टाफ की। न्यू स्टेट में यदि किसी भी रिलेशनशिप ऑफिसर की एवरेज डेली कलेक्शन 5,000 रुपये से कम है तो वह कर्मचारी कोरोना कैटेगरी में आएंगे। फील्ड एग्जीक्यूटिव कलेक्शन, यदि एक एफईसी का औसत दैनिक कलेक्शन 3 CDL कलेक्शन से भी कम है तो वह कर्मचारी कोरोना कैटेगरी में आएंगे। एफईडी, यदि एक एफईडी का औसत दैनिक लॉगिन 3 CDL लॉगिन से भी कम है तो वह कर्मचारी कोरोना कैटेगरी में आएंगे। अब हम जानेंगे ओल्ड स्टेट की क्वारंटाइन ब्रांच और कोरोना कैटेगरी के बारे में। क्वारंटाइन ब्रांच ओल्ड स्टेट के केस में यदि किसी ब्रांच की कलेक्शन 25% से भी कम होती है तो वह क्वारंटाइन कैटेगरी में आएगी, और कोरोना स्टाफ यानी कि यदि किसी रिलेशनशिप ऑफिसर की एवरेज डेली कलेक्शन 3,000 रुपये से भी कम है तो वह कर्मचारी कोरोना कैटेगरी में आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने के लिए यह है कि औसत 30 दिनों के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। केवल कर्मचारी जो 30 दिनों से अधिक समय से सिस्टम में हैं वे परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे। उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उन्हें वार्निंग लेटर और टर्मिनेशन इशू किए जाएंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं। धन्यवाद।